नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जोमेटो। ये स्टॉक 162 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 2.656% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1,42,356 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, बुक वैल्यू 22.9 है, डिविडेंड ये देता नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 है। सो फंडामेंटल वीडियो में इसकी ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखिए तो ये स्टॉक 15-200 डीएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पीई यहाँ पे मेंशन नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हिला है, बट यहाँ पे सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। अभी आ गया हम इसके चार्ट पे, तो चार्ट की बात करें, देखिए हमने ये एक चैनल बनाया था एंड चैनल के अंदर ही स्टॉक ट्रेड करा था। उसके बाद जब ये काफ़ी भारी भरकम वॉल्यूम से इसने इस चैनल को ब्रेक किया एंड तब से यहाँ पे इसने ये जो पॉइंट है इसको एक सपोर्ट बनाया हुआ है। चैनल से भी ये यहाँ से सपोर्ट लेके एक बार, जस्ट अ सेकेंड, तो चैनल के पास से भी ये सपोर्ट लेके जाता है। थोड़ा सा चैनल गड़बड़ हो गया मेरा यहाँ पे तो चैनल के पास से भी ये सपोर्ट लेके जाता है, उसको सपोर्ट बनाया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट लेके गया है, यहाँ से आज फिर से सपोर्ट लेके गया है। सो बेसिकली आज वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम आया था आज 95 मिलियन का एंड कल जो वॉल्यूम आया था वो आया था 29 मिलियन का। तो वॉल्यूम तो काफ़ी तगड़ा आया है यहाँ पे एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा भी जा सकता है कि सेलर्स का दबाव तो था बट बायर्स ने भी यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी है। काफ़ी ज़्यादा होल्ड उन्होंने स्ट्रांग सपोर्ट पे बना के रखा है, तो ये वाला जो है इसका बन चुका है एक स्ट्रांग सपोर्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन मिली थी, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट बनाया, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे रिजेक्शन लिया काइंड ऑफ एंड यहाँ पे इसने फिर से सपोर्ट बनाया, तो ये बन चुका है सपोर्ट। एंड ये पॉइंट है जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है 161.55 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पे अब थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा एंड एंट्री वाइज बात करें, देखिए आरएसआई तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टेबल हो चुकी है एंड हमने पहले भी बात करी थी कि इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस बन रही है एंड दूसरा पुराना पैटर्न चेक करें तो आरएसआई इस पॉइंट पे जाके ना रिवर्सल लेती है एक, तो कहीं ना कहीं वो भी देखा गया है, रिवर्सल भी देखा गया है एंड दूसरा आपको पता है कि मार्केट में कितनी वॉलीटिलिटी देखी गई है तो उसका असर भी यहाँ पे देखा गया है। ठीक है, तो अभी की बात करें तो देखिए अगर शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करें, स्ट्रांग सपोर्ट पे जरूर खड़ा है ये, बट शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी इसकी बहुत करीब की है जो कि अगेन काफी भारी भरकम रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 कैंडल्स का सपोर्ट बना है, 2 कैंडल्स का, 3 कैंडल्स का यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, 4थी कैंडल है जिसका रेजिस्टेंस बना है, तो ये भी काफी भारी भरकम थोड़ा सा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ये, तो ये भी एक देख के चलना पड़ेगा हमें। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे मैं बनाऊंगी ये शॉर्ट टर्म की एंट्री, मैं एक लाइव मार्केट में जरूर ध्यान रखूंगी इस स्टॉक में, क्योंकि मैंने पहले भी बात करी थी बाकी वीडियोस में, अभी अब आ गए हैं बीएससी पे कि लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है, सर्किट जो है इसका 20% का है एंड ऐसे ऐसे सिनेरियोज में कई बार होता है कि ये स्टॉक ना 4 में चला जाता है और उससे पहले ना ये भागता है, तो 20% ना एक दिन में दे जाता है और फिर एकदम से ये 4 में या 2 में चला जाता है और इसका प्राइस बैंड एकदम से 5 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बड़े सारे सिनेरियोज में देखा गया है और मैं ये नहीं बोल रही कि ये होगा, पर हो सकता है कि ऐसा हो, तो लाइव मार्केट में इस स्टॉक पे नजर रखना काफी जरूरी है कि हम, मैं ये नहीं बोलती कि 20%, बट कुछ तो देख ही सकते हैं हम यहाँ पे लाइव मार्केट में। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं नहीं लेती यहाँ पे, बट लाइव मार्केट में ध्यान रखती थोड़ा सा एंड लॉन्ग टर्म की मुझे लगता है यहाँ पे अगेन एक भारी भरकम रेजिस्टेंस है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करती उसके बाद लॉन्ग टर्म की एंट्री बनाती। हालांकि आरएसआई काफी अच्छे स्टेज पे है, हो सकता है थोड़ी सी और करेक्ट हो जाए एंड स्टॉक यहीं पर कंसोलिडेट करे एंड आरएसआई को थोड़ी सी करेक्शन मिले, ये भी पॉसिबल है। तो अभी के लिए आपको पता है मार्केट में इतनी वॉलीटिलिटी है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों की एंट्री नहीं बनाती एंड रेस्ट अभी एक बार न्यूज देख लेते हैं। तो न्यूज ऐसा कोई भी नहीं है अभी ऑफिशियली बीएससी पे जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके का फर्क पड़े, तो बस एनालिसिस में इतना ही है अभी के लिए एंड ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।